मध्य प्रदेश वन और वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ द्वारा मैदानी वन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर बुधवार को बढ़वा जयंती माता रोड स्थित फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर DFO CS चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों द्वारा फॉरेस्ट ऑफिस में वनों की रक्षा हम करें, हमारी रक्षा कौन करे, आवाज दो हम एक हैं के नारे लगाए गए रेंजर कैलाश चंद पुरोहित द्वारा ज्ञापन का वाचन करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में कार्यरत मैदानी व कर्मचारियों का भविष्य वर्तमान स्थिति में गंभीर खतरे में है। मध्य प्रदेश में वनों की कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण तथा वन्य प्राणियों का शिकार चरम पर है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण वे वनों तथा वन भूमि एवं वन्य जीवों का संरक्षण करने वाले निहत्ते वन कर्मचारियों के साथ खूनी खेल खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण से पर्यावरण नष्ट होने के साथ साथ वन्य प्राणियों और वन कर्मचारियों का जीवन खतरे में आ गया है। ज्ञापन के माध्यम से वन्य कर्मियों की सुरक्षा की मांग की गई है। बढ़वा से संवाददाता की रिपोर्ट बनी हुई है हमारे प्रदेश के अन्य जिलों में। वैसी स्थिति तो हमारे यहाँ नहीं है, फिर भी जो है सभी को जो है ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो उसके लिए मिलजुल के काम करना पड़ेगा। जब भी ऐसी कोई अतिक्रमण की या जो उसके प्रयास की सूचना मिलती है तो सामूहिक रूप से जाए, तत्काल जो अपने वरिष्ठ को और हमको सूचना देवे ताकि जो है इस तरह की घटना से जो है हम निपट सकें। कि मध्य प्रदेश में वन वन्य प्राणियों की संरक्षण में कार्यरत मैदानी वन कर्मचारियों का भविष्य वर्तमान स्थिति में गंभीर खतरे में है। मध्य प्रदेश में वनों की कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण तथा वन्य प्राणियों का शिकार चरम पर है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण वे वनों तथा वन भूमि पर वन्य जीवों का संरक्षण करने वाले निहत्ते वन कर्मचारियों के साथ खूनी खेल खेल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।